अभी अपन पहुंच चुके हैं कलेक्टर रोड। ये रोड इतनी प्यारी है ना, पूछो मत हिमांशु गुप्ता जी कलेक्टर साहब के घर वाली रोड इसे कह सकते अपन। तो ना तब इतने सारे पेड़ है ना, जो मज़ा आता ना वो हद ही नहीं है, जितना मज़ा आता है। कभी कभी ब्लॉग एक नहीं बनता, कभी कोई दो दो ब्लॉग बन जाते भाई। आपसे सुबह सुबह राइड पर बात करने का जो मज़ा आता ना भाई, हद ही नहीं जितना मज़ा आता आपको। आप लोग कुछ कहते भी नहीं हो भाई मुझे कि भाई क्या कर रहा है, अच्छे ब्लॉग नहीं है, ख़राब है, तेरे ब्लॉग सही नहीं है, गालियाँ दो, कुछ तो दो यार। कुछ भी नहीं दोगे तो क्या मतलब यार, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। बोली गालियाँ दो, कुछ भी दो, कुछ तो दो यार, तभी तो कुछ मज़ा आएगा ना भाई। कुछ तो कुछ ना देना पड़ेगा आपको, कुछ तो बोलो यार ब्लॉग सही नहीं बन रहे, वो नहीं। मैं खुद आपको चल कर बोल रहा हूँ, मैं आपको गुस्सा हो ही नहीं रहा, कोई बंदा गुस्सा हो रहा होगा, मुझे पता चलना चाहिए ना मेरे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है। आप लोग से अच्छा मुझे कोई बता ही नहीं सकता, आप लोग मेरे परिवार वाले हो, और अगर परिवार फैमिली वाले अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे भाई। छोटी फैमिली हुई तो क्या, फैमिली तो फैमिली होती है, और अगर फैमिली वाले अगर नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। और ये रोड आप लोग देख चुके होंगे, और सब लोग वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह, और अपन लोग राइड कर रहे हैं। ये डायलॉग अपना बहुत अच्छा जमने वाला है, थोड़ा चलने वाला डायलॉग है। और क्या ठंडी ठंडी सुबह सुबह एकदम फ्रेशनेस आ रही है ना राइड की, पूछो मत। आप लोग बताओ कौन सी राइड पर जाना चाहिए। और अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर फॉलो करो यार, एडवोकेट राइडर, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी भाई। अगर आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको पता रहेगा मैं कहां कहां क्या क्या कर रहा हूं अभी। जिस प्रकार से आप मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर रहे हो, उसी प्रकार से यार यूट्यूब पर भी सपोर्ट कर दो जल्दी जल्दी भाई। कुछ लॉन्ग लॉन्ग राइड मारते हैं, इंटरनेशनल राइड मारते हैं, और कुछ नया धमाका करने वाले थोड़े दिन में जस्ट। तो अभी इसकी बैटरी ख़त्म होने वाली है भाई। अगर कोई अपन ने ऑनलाइन बैटरी मंगाई और वो बैटरी फुल चुकी है तो आप लोग बताओ कि ये वापस रिप्लेसमेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जिनको अगर कुछ नॉलेज हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता भाई। मैंने बैटरी मंगाई अमेजोन से और वो फुल गई थोड़े दिन में, 4-5 महीने में। तो आप लोग खुद बताओ मुझे क्या करना चाहिए, रिप्लेसमेंट हो जाएगी या नहीं होगी। मैंने तो भाई यूज ही नहीं की उसको, जस्ट एक दो बार यूज़ की है, ज़्यादा यूज़ ही नहीं की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। तो अपन आ चुके हैं वापस नेशनल हाईवे पर, और जो नेशनल हाईवे पर जो गाड़ी चलाने का जो मज़ा आता है ना भाई, वो अलग ही मज़ा है। मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ, गाड़ी बिना हेलमेट के ना चलावे, ओवर स्पीड में ना चलाए भाई लोगों। अभी आपने देखा है कि उत्तराखंड के राइडर भाई अपना प्रो राइडर 1000 की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो आप लोग गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में चलावे, बिल्कुल 100%। और प्रो राइडर के संबंध में कोई बॉस अगर कुछ कमेंट में कुछ लिखना चाहता है, अगर इसमें लीगल रूप से क्या एडवाइस आनी चाहिए, अगले क्या होगा नहीं होगा, अगर आप उस पर पूरा ब्लॉग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो अपन उसमें बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ये धारा लगेगी, ये कानून होगा, ये होगा, ये होगा, सारी चीज़ अपन लीगल रूप वाली रूप से बता सकते हैं अपन लोग।
गाड़ी ओवर स्पीड नहीं चलाए, इतनी चलाए जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं भी बिल्कुल ज़्यादा फास्ट नहीं चला था, 70-75 लॉन्ग राइड भी गया तो मैं 70-75 80 से ऊपर 85 से ऊपर गया ही नहीं। चाहे कितने भी सुनसान रोड हो भाई, क्या हो गया, पीछे फैमिली बैठी हुई है भाई, आप ये मत देखो, मज़ा आ रहा है, मज़े के साथ पीछे वालों का इंजॉय करो। आपकी माँ बाप कितने मुश्किल से पालते हैं अपन लोगों को, कितनी मुश्किल से बाइक आके दिलाते हैं, और अपन लोग अगर ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पुलिस हमेशा बोलती है हेलमेट पहनो, हेलमेट अच्छा हेलमेट पहनो, बढ़िया वाला हेलमेट खरीदो भाई, जिंदगी रही तो गाड़ी गोड़े टूट गए तो सब कुछ नया आ सकता है, अगर आपकी लाइफ चली गई तो कुछ भी नया नहीं आएगा। माँ बाप ने सपने देखे होंगे आपके लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ राइड मत करो, राइड करो, स्टैंड करो, पर जगह पर करो यार। आप और स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, सामने वाले का बेचारा कहीं जा रहा है, आप उसके अंदर ठुक गए तो खुद तो मरोगे, मेरे उसको भी मारोगे आप। तो इसलिए ध्यान रखो, गाड़ी ध्यान से सेफ्टी से चलाओ। ये नहीं अनाफ सनाफ, अनाफ सनाफ चलाओ। गाड़ी को प्यार से भगाओ, प्यार से चलाओ। और पीछे प्यार करने वाले मम्मी पापा हैं, या अगर आप शादीशुदा तो हस्बैंड होगी, आपकी वाइफ होगी, जेंट्स हो तो वह आपकी वाइफ, बच्चे आपके इंजॉय कर रहे होंगे, या आपकी नई नई शादी हुई होगी, तो फिर क्यों स्पीड चलानी, मस्त रहो और व्यस्त रहो। पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए भाई, कोई लोग बोलते पुलिस रोक रही है, वो कर रही है, क्यों रोक रही पुलिस? आपके यहाँ डॉक्यूमेंट, अगर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो कोई नहीं रोक। कल पुलिस ने अभियान चलाया था हेलमेट का, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ पुलिस वालों की, पुलिस महकमे की, ऐसे अभियान उनको चलाते रहना चाहिए जिससे लोग जागरूक हो और हेलमेट लगाए। जो भाई लोग समझते हैं ना कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, तो भाई आज मदर्स डे है तो मदर्स डे पर एक सोगन ले लो आप कि भाई मैं बाइक हाई स्पीड में नहीं चलाऊंगा और हमेशा हेलमेट गजेट पहन के ही चलाऊंगा। ये संदेश जाना चाहिए, हम लोग राइडर हैं, एक संदेश जाना चाहिए अच्छा सा। जो बच्चे हैं वो ठीक है, जो मैच्योर हो गए तो उनको, जो बड़े बड़े जो मोटेबल हो गए उनको बोलना चाहिए भाई, इससे लोगों को जानकारी मिल जाए और लोगों को पता चले। और तो मैं इतना कहूँगा और आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।